टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ कंफर्टेबल डिवाइस एंड देयर पर्पसेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंफर्टेबल डिवाइस कितने टाइप्स के हैं और कौन सा कंफर्टेबल डिवाइस का क्या पर्पस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंफर्टेबल डिवाइस, कंफर्टेबल डिवाइस में आता है पिलो, आता है बैक रेस्ट, रोल्स, फुट रेस्ट, सैंड बैग, एयर एंड वाटर मैट्रेसेस, रिंग्स, बेड ब्लॉक, बेड क्रेडल एंड एयर कुशन। ये सब क्या है? कंफर्टेबल डिवाइस है। चलिए अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है पिलो। पिलो आर यूज टू गिव कंफर्टेबल पोजिशन टू द पेशेंट। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजिशन प्रोवाइड करने के लिए पिलो का यूज करते हैं। अब पिलो का पर्पस क्या है? टू मेंटेन प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट। प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट को मेंटेन करने के लिए पिलो का यूज करते हैं। टू सपोर्ट बॉडी पार्ट इन गुड अलाइनमेंट। गुड अलाइनमेंट में बॉडी पार्ट को सपोर्ट करने के लिए पिलो का यूज करते हैं। हेल्प टू रिड्यूस प्रेशर सोर। प्रेशर सोर को रिड्यूस करने के लिए पिलो का यूज करते हैं। इट इज़ यूज टू सपोर्ट हेड, नेक, आर्म, लेग एंड पार्ट्स ऑफ बैक। ये सभी को सपोर्ट करने के लिए पिलो का यूज करते हैं। अब आता है बैक रेस्ट। इट इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस विच प्रोवाइड रेस्ट फॉर द बैक ऑफ पेशेंट इन सीटिंग पोजिशन। सीटिंग पोजिशन में पेशेंट के बैक को रेस्ट प्रोवाइड करने के लिए बैक रेस्ट का यूज करते हैं। इसका पर्पस क्या है? टू सपोर्ट बैक, टू फैसिलिटेट इजी ब्रीदिंग। इट इज गिवन स्पेशली फॉर हार्ट पेशेंट एंड अस्थमा पेशेंट इवन इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। अब आता रोल्स। हैंड रोल्स आर मेड ऑफ क्लॉथ। हैंड रोल जो है क्लॉथ का बना होता है। इसका पर्पस होता है टू कीप द फिंगर फ्री बींग हेल्ड इन अ टाइट फिस्ट। टाइट फिस्ट में फिंगर को फ्री रखने के लिए रोल्स का यूज किया जाता है। अब आता है फुट रेस्ट। दीज आर मैकेनिकल डिवाइस यूज टू गिव रेस्ट टू फीट। फीट को रेस्ट देने के लिए फुट रेस्ट का यूज करते हैं। अब इसका पर्पस क्या है? टू मेंटेन द नॉर्मल पोजीशन ऑफ फीट। फीट के नॉर्मल पोजीशन को मेंटेन करने के लिए फुट रेस्ट का यूज करते हैं। टू प्रमोट कम्फर्ट एंड टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए फुट रेस्ट का यूज करते हैं। अब आता सैंड बैग। दीज आर अ प्लास्टिक बैग फिल्ड विथ सैंड। ये एक प्लास्टिक बैग होता है जो कि सैंड से भरा हुआ रहता है। अब देखते हैं इसका पर्पस। टू रिलीव डिस्कम्फर्ट से रिलीव कराने के लिए सैंड बैग का यूज करते हैं। यूज टू सपोर्ट बॉडी पार्ट, यूज टू इमोबिलाइज द बॉडी पार्ट को इमोबिलाइज करने के लिए। यूज टू सपोर्ट इन फ्रैक्चर बोन को सपोर्ट देने के लिए इसका यूज करते हैं। टू प्रिवेंट फूड ड्रॉप और फूड ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए सैंड बैग का यूज करते हैं। अब आता है एयर एंड वाटर मैट्रेसेस। दीज आर यूज फॉर वेरी थिन एंड ओबेस पेशेंट। ये जो एयर और वाटर मैट्रेस है बहुत पतले या फिर बहुत मोटे पेशेंट के लिए यूज करते हैं। इट हेल्प इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट पे जो प्रेशर एग्जर्ट होता है उसके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एयर और वाटर मैट्रेसेस का यूज करते हैं। अब इसका पर्पस क्या है? टू इम्प्रूव सर्कुलेशन, टू प्रोवाइड कम्फर्ट एंड टू प्रिवेंट प्रेशर सोर। एयर एंड वाटर मैट्रेस का पर्पस क्या है? सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, कम्फर्ट प्रोवाइड करने के लिए और प्रेशर सोर को प्रिवेंट करने के लिए एयर एंड वाटर मैट्रेस का यूज करते हैं। अब आता है रिंग्स। एयर रिंग्स आर मेड ऑफ रबर। एयर रिंग्स जो है रबर का बना होता है। रिंग्स शुड नॉट बी अप्लाइड डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद स्किन। रिंग्स को है डायरेक्टली स्किन के कॉन्टैक्ट में अप्लाई नहीं करेंगे। दे शुड हैव अ कवर, उसमें एक कवर होना चाहिए। अब देखते हैं इसका पर्पस। टू लिफ्ट द हिप फ्रॉम बेड टू प्रिवेंट बेड सोर से प्रिवेंट करने के लिए हिप को लिफ्ट करने में इसका यूज करते हैं। और इसका क्या यूज है? टू इम्प्रूव सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन को इम्प्रूव कराने के लिए रिंग्स का यूज करते हैं। अब आता है बेड क्रेडल। दीज आर सेमी सर्कुलर इन शेप मेड ऑफ वुड एंड मेटल। ये सेमी सर्कुलर होता है शेप में और वुड या फिर मेटल का बना होता है। अब इसका पर्पस क्या है? टू प्रिवेंट द टॉप क्लॉथ इफ कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट स्पेशली बर्न पेशेंट। इसका जो यूज करते हैं अगर कोई बर्न का पेशेंट है तो उस पर जो टॉप क्लॉथ देते हैं तो टॉप क्लॉथ जो अगर बर्न पार्ट के कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसको इरीटेट करेगा। उस इरीटेशन से बचाने के लिए क्या करते हैं?
पेशेंट के ऊपर पहले बेड क्रेडल लगाते हैं, फिर बेड क्रेडल के ऊपर से टॉप क्लॉथ देते हैं। और दूसरा पर्पस क्या है, टू अप्लाई हीट इन केस ऑफ ड्राइंग प्लास्टर। प्लास्टर को ड्राई करने के लिए, हीट अप्लाई करने के लिए बेड क्रेडल का यूज किया जाता है। अब तीसरा पर्पस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बेड क्रेडल आर यूज टू अप्लाई द डिजायर वार्म इन केस ऑफ शॉक। बेड ब्लॉक, दीज आर मेड ऑफ वुड, ये वुड का बना होता है। दीज आर प्लेस अंडर द फुट ऑफ बेड फॉर वेरियस रीजन, ये बेड के फुट के अंदर रखा जाता है और इसका पर्पस है टू प्रिवेंट शॉक, टू अरेस्ट हिमोरेज, टू रिटेन एनिमा, एनिमा को रिटेन करने के लिए, टू प्रोवाइड ट्रैक्शन एंड टू गिव ट्रेन लेन वर्क पोजिशन। लेकिन अब जो है मेनली बेड ब्लॉक का यूज नहीं करा होता है, क्योंकि अब जो है एडवांस बेड आ गया, जिसके बेड से ही बिना बेड क्रेडल, बिना बेड ब्लॉक का यूज किए ही हम उसको ट्रेन लेन वर्क पोजिशन दे सकते हैं। अब आता है एयर कुशन, दे आर राउंड इन शेप एंड मेड ऑफ रबर, ये राउंड होता है शेप में और ये रबर का बना होता है। एयर कुशन शुड नॉट बी अप्लाई डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद स्किन, और एयर कुशन को भी है डायरेक्टली स्किन के कॉन्टैक्ट में नहीं लाएंगे, उसमें एक कवर लगा देंगे। और इसका पर्पस होता है टू रिलीव प्रेशर सोर ऑन सर्टेन पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के सर्टेन पार्ट पे प्रेशर सोर को रिलीव कराने के लिए एयर कुशन का यूज करते हैं। और टू प्रमोट कम्फर्ट ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट के कम्फर्ट को प्रमोट करने के लिए एयर कुशन का यूज करते हैं। तो इस तरह से कंफर्टेबल डिवाइस कंप्लीट होता है।